Hello children, welcome to ASA Education, your own learning channel. आज हम RBSE बोर्ड की इंग्लिश बुक Let's Learn English ग्रेड 5 का 6th चैप्टर करेंगे. आज का चैप्टर है द दशहरा फेस्टिवल, दशहरे का त्योहार. Let's read why we celebrate दशहरा. चलिए पढ़ते हैं हम दशहरा क्यों मनाते हैं. What is the story behind it? इसके पीछे क्या कहानी है. In India, many festivals are celebrated with great zeal. भारत में बहुत से त्योहार बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं. Dussehra is one of them. Dussehra उनमें से एक है. It is also called Vijayadashmi. इसे विजयदशमी भी कहते हैं. According to Hindu calendar, Dussehra occurs on the 10th day of Ashwin month, Shukla Paksh. हिंदू कैलेंडर के अनुसार Dussehra अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है. On this day, Lord Ram got victory over Ravan, the king of Lanka. इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी. He kidnapped Rama's wife Sita and took her to Lanka. उसने भगवान राम की पत्नी सीता को किडनैप किया, यानी अगवा कर लिया और उनको लंका ले गया था. This led to a fierce battle between Ram and Ravan, which ended with the defeat of Ravan and his army. इस कारण से राम और रावण के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें रावण और उसकी सेना हार गई. Dussehra is celebrated in honor of Ram's victory. Dussehra भगवान राम की जीत की खुशी में मनाया जाता है. In many parts of India, Ramlila is organized during Navratris from Ashwin Shukla Pratipada to Dashmi. भारत के कई भागों में अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से दशमी तक नवरात्रि के दिनों में रामलीला का आयोजन होता है. रामलीला describes the story of Ram in the form of a drama. रामलीला में भगवान राम की कहानी नाटक के रूप में दिखाते हैं. Every day many scenes of Ram's life such as नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, तारका वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज. प्रत्येक दिन राम के जीवन के कई दृश्य जैसे नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, तारका वध, पंचवटी का दृश्य, सीता हरण, हनुमान मिलन, लंका दहन, सेतु निर्माण और राम रावण युद्ध मंच पर दिखाए जाते हैं. हनुमान गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन. हनुमान का रूप सबको अट्रैक्ट करता है, स्पेशली बच्चों के लिए. यानी मुख्य रूप से बच्चों को हनुमान का गेटअप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है. ऑन द 10th डे लार्ज एफिजीज ऑफ रावण, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन द बिग ग्राउंड. दसवें दिन एक बड़े मैदान में रावण, उसके पुत्र मेघनाथ और उसके भाई कुंभकर्ण के बड़े पुतले खड़े किए जाते हैं. दीज एफिजीज आर स्टफ्ड विद द फायर क्रैकर्स. इन पुतलों में आतिशबाजी भरी जाती है. इन द इवनिंग पीपल बिगिन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क. शाम को लोग रावण दहन और आतिशबाजी देखने के लिए इकट्ठे होते हैं. फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन. इस पवित्र अवसर पर जगह जगह मेले का आयोजन होता है. चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्व्स इन मेनी वेज. बच्चे अपने आप को तरह तरह से खुश करते हैं. They play the roles of various characters like Ram, Hanuman and Rakshas using handmade paper arms and mask. बच्चे घर के बने हाथ और मास्क लगाकर तरह तरह के चरित्र जैसे राम, हनुमान और राक्षस की भूमिका करते हैं. At sunset, Ram and Lakshman come in a chariot with वानर सेना. शाम को राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ रथ पर आते हैं. Ram shoots arrows at the effigies. राम पुतलों पर बाढ़ चलाते हैं. The effigies catch fire and burn to ashes. पुतलों में आग लग जाती है और वो राख बन जाते हैं. Fireworks and crackers explode in the air. आतिशबाजी और पटाखे हवा में फटते हैं. People in some areas of Rajasthan go to greet each other. राजस्थान के कुछ भाग में लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं. Dussehra is a symbol of victory of good over evil. दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है. बच्चों यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और यह चैप्टर आपको दशहरा के बारे में बताता है और ये बताता है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल और एजुकेशनल लगा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।